बीजेपी ने आज चुनाव आयोग पहुंचकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की शिकायत की। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे राज्य को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग रखी गई है। इनके साथ साथ बीजेपी ने आयोग को पश्चिम बंगाल के ऐसे अफसरों की लिस्ट सौंपी है जिनकी निष्पक्षता पर संदेह है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की भी शिकायत की और कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिना सबूत पीएम मोदी पर उन्होंने झूठे आरोप लगाए। हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता और तो और मुख्यमंत्रियों का हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए।